एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। वेल दोस्तों, इंडियन आइडल का 12वां सीजन टीआरपी की रेस में तो आगे है ही, लेकिन अब कोरोना की वजह से इस शो के अंदर बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बहुत बड़े चेंजेस शो में लाए गए हैं, शो के पैटर्न में लाए गए हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि शो के कंटेस्टेंट, टेक्नीशियंस, यहाँ तक कि होस्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद से अब शो में कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं इसके फॉर्मेट में, जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अब शो को सीधा फाइनल तक पहुंचाया जा रहा है। क्या है खबर, चलिए बताते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएँ। वेल, हम आपको बता दें कि शो में वोट्स के बेसिस पर हर दो वीक में एक सिंगर को एलिमिनेट किया जाता है। ये ऑडियंस और जज के वोट्स को मिलाकर डिसाइड किया जाता है, लेकिन अब शो के मेकर्स ने इस नियम को, इस रूल को बदलने का फैसला कर लिया है। हम आपको बता दें कि अब इस रूल के मुताबिक कई हफ्तों तक शो से कोई भी सिंगर बाहर नहीं होगा। जी हाँ, इंडियन आइडल सीजन 12 में पावर प्ले नाम से एक नया रूल लाया गया है। ये पावर प्ले कई वीक्स तक चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही ये खत्म होगा उसके बाद वोट्स को काउंट किया जाएगा। सबसे ज्यादा वोट्स पाने वाले कंटेस्टेंट को फाइनल्स में भेजा जाएगा। इसके अलावा बाकी कंटेस्टेंट को शो से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी इस बात पर मेकर्स ने सस्पेंस बनाया हुआ है कि आखिर कितने कंटेस्टेंट्स को फिनाले में भेजा जाएगा। वैसे माना जा रहा है कि 5 लोगों को फिनाले में एंट्री मिलेगी। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है, 5 जाएंगे या 3 जाएंगे, ये तो पावर प्ले खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए फैंस के लिए ये गुड न्यूज है कि उन्हें कुछ और हफ्तों तक अपने सभी फेवरेट सिंगर्स को सुनने का मौका जरूर मिलेगा। वेल, कितने खुश हैं आप, हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।